नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय गणित होगा, वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपका 9th ऑफ अप्रैल 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी यहां अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति, उसी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है, जिसको परिमेयकरण कहते हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके प्रॉपर वे में समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आइए देखते हैं बबलू की गणित का कौन सा सवाल हल कर रहा है। तो बबलू यहाँ है, जैसे देखिए 1/√2 है, तो संख्या के हर में एक परिमेय संख्या √2 है। क्या है? एक परिमेय संख्या √2 है। और ये क्या किया है, जैसे 1/√2 × √2/√2, यानी अंश और हर दोनों को √2 से गुना कर दिया है। फिर √2/√2 हो गया, हर में से अपरिमेय संख्या √2 हट जाती है। अब ये कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, 1/√2 है, ठीक है। तो इसको जो है ना, इसने क्या किया, मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन कर दिया और इसको ऊपर ले गया, ठीक है। तो √2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, और 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे √2 को तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं √2/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो आपने क्लास 8th में सीखा है, क्या सीखा आपने, √2, तो 4 का √2 हो जाता, तो इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए, अब आपको जो है ना सेकेंड दिखा रहे हैं यहाँ, अब आप प्रयास कीजिए और रिक्त बॉक्स में उचित आंसर लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके हम बताते, इसको हम पहले यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिए 1/√3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, √3 ऊपर लिख देंगे, √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 और को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा। तो इसको √3 का कोई वो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये √3 हो जाएगा, और ये √9 का स्क्वायर रूट होता है तो ये 3 हो गया। तो ये इस तरह से आपका ऐसे भर जाएगा। तो यहाँ आपको क्या फिलअप करना है, ये वाला डाल भरना, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये पहला समझ में आ गया। अब दूसरा मैं बताता हूँ, ये चलिए 1/√7 है, ये वाला 1/√7 है, तो इसको भी आप 1/√7 से और अपॉन में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। तो √7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √7 रहेगा, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये भर लीजिए, फिलअप कर लीजिए, और यहाँ पे ये फिलअप कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है आपका वर्कशीट। चलिए अब 2/√5 है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो इनटू में जो है ना 2/√5 आप लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। तो √5 और जो है ना 2/√5 का एलसीएम, तो इसको एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, 2/√5 है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, √5/√5, ठीक है, और 5, तो ये 2/√5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, तो यहाँ 1/1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, और ये √5 का √5 हो जाएगा। अब ये 5 × √5 = 25 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 2√2 का जो है ना कोई वो वर्गमूल नहीं होता, यानी कि कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता, तो 25 का हम 5 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम ये भरेंगे और यहाँ पे हम ये भरेंगे, फिलअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट है, ये बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। इसको मैं अच्छे मेथड से समझाता हूँ आपको, अच्छे से देखिए, इतना है, इसको आप क्या करेंगे, 3√2, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 × 9 √9 हो जाएगा, और ये देखिए ये √2 × 4, तो ये 4 हो गया। अब देखिए 6√2/9 और √4 का जो हमारा वर्गमूल है वो √2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको काट ये जो है ना क्या कर सकते हैं आप देखिए, तो इसको एक बार और स्टेप लिख सकते हैं, 6√2/9 = 18, ठीक है। तो 6 1 = 6, 6 3 =
18, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट टू अपॉन में 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए रूट टू अपॉन में 3, ये आपका हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये हम हर में से अपरिमेय संख्या को हटाकर एक परिमेय संख्या में बदलना सीख गए। ठीक है, अब इस क्रिया को परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब इसको आपको सीखना है डियर स्टूडेंट। देखिए 1/2, तो इसको कैसे किया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसको कैसे किया गया, ये भी आप देख लीजिए, और मैं आपको इसको करके अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे हुआ था। 1/2 प्लस रूट 3 है, तो इसको आप क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, 2 प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे रूट 3, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए a, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये देखिए ये a है, ये भी a है, ये b है, ये b है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इस तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में जो है ना आपका क्या हो जाएगा, माइनस में जो है ना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4, तो इसको हम मैं बना करके आपको दिखा रहा हूँ वर्कशीट पे। चलिए आइए इसने सभी क्वेश्चन को, चलिए तो ये पहला का जो है ना, ये डब्बा में जो बनाना था ये बन गया है, ये भी बी भी बना दिया, इस सबको आपको मैंने डब्बे में आपको पैक करना है। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका पहला का। अब दूसरा का जो है ना, दूसरा का दो क्वेश्चन था, चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ जो है ना ये 6√3, तो 6 बन जाए 6 हो जाएगा, 6√3 जा तो √2/3 है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे अभी, क्योंकि उसमें जो है ना लिखने में दिक्कत होती है डियर स्टूडेंट, इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे हमने किया है, देखिए 1/3 प्लस रूट 5 है, तो इसको 1/3 प्लस रूट 5 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 3 माइनस माइनस में कन्वर्ट कर दिया रूट 5, 3 माइनस रूट 5, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर, तो ये 1 इंटू 3 माइनस रूट 5 ऐसे ही लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का जो है ना वर्गमूल कितना, 5 हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 4, ये हमारा पहला का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में हम दूसरा का देखते हैं, ये दूसरा है बहुत ही अच्छा है, इसको भी समझ लीजिए आप अच्छे से। देखिए इसमें जो है ना क्या है डियर स्टूडेंट, इसको हमें करना है, तो एज इट इज हमने लिख लिया, इनटू कर दिया हमने, 3 प्लस माइनस है तो प्लस, 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2, तो 1 को इनटू 3 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा वो, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी आप याद रख लीजिएगा, और ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो आप सभी को पता है जो 3 का स्क्वायर माइनस माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए तो 3 का स्क्वायर जो है ना आपका जो है ना 9 हो जाएगा, रूट 2 का तो 4 हो जाएगा, तो 2 हो गया इसका, यानी कि रूट 2 का ये 4 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 का 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए डियर स्टूडेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट का बेनिफिट मिले। ठीक है, और आपको इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड की कर दी जाती है, इस लेकर के हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।